अपराधों की रोकथाम और समय रहते किए जाने वाले अपराध पर नियंत्रण कर आरोपी को शीघ्र पकड़ा जाए, इसे लेकर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के द्वारा आमजन से जन सहयोग के साथ सुरक्षा की अपील लगातार की जा रही है। इसे देखते हुए शहर की सुरक्षा में शहर के व्यापारी, समाज सेवी व जनप्रतिनिधि आ गया है और सभी ने अपनी अपनी ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक सिग्नल आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे सेवाभावियों को कलेक्टर एसपी के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब शहर की सुरक्षा की बात हो तो सबसे पहले वही लोग आते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जनहित के कार्यों को लेकर आगे जाते हैं। इनमें सबसे आगे समाज सेवी बंधु और पदाधिकारी, व्यापारी, जनप्रतिनिधिगण सभी लोग शामिल होते हैं। साथ ही साथ शहर की सुरक्षा को लेकर समाज सेवी अमन गोयल के साथ साथ व्यापारी वीरेंद्र कुमार जैन पत्ते वाले, जनप्रतिनिधि में पूर्व विधायक महेंद्र यादव, विधानसभा कोदारस के साथ अन्य सेवाभावी लोग इसमें शामिल रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन सभी के द्वारा शहर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर अपनी ओर से सेवा कार्य में योगदान देकर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए और इसमें सर्वाधिक रूप से पूर्व विधायक महेंद्र यादव के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में 128 कैमरे लगवाए गए। इनमें एक महीने की रिकॉर्डिंग क्षमता वाला सिस्टम, कैमरा व अन्य उपकरणों की सौगात देकर शहर सुरक्षा में यहां पर योगदान किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकांशतः शहर का प्रत्येक कोना इससे कवर होगा। वहीं शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल की पहल पर विभिन्न यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ताकि शहर में हरेक समाज सेवी व व्यापारी, जनप्रतिनिधि शामिल हो सकें। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई स्थानों पर अभी से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं और इसमें ये योगदान भी शामिल रहेगा और कई शहर तेज़ गति के साथ चल रहे वाहनों को भी यहाँ पर नियंत्रित किया जाएगा और समय रहते नियंत्रण पाया जा सके, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा संपत्ति विपन के संबंध में हम लोग आगे जारी करेंगे। आपको मालूम ही है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद इस पर निगरानी तेज हो जाती है। वैसे तो संपत्ति विपन का कानून पूरे साल पर निगरानी बढ़ेगी आज और उसकी जांच होगी, उसमें रुकने वालों के बारे में निर्देश होंगे कि उसकी जानकारी हमारे थाना प्रभारी को और हमारे कार्यपालिक श्रेष्ठ उनको देनी पड़ेगी। ये कार्रवाई होंगी। इसके अलावा हमने और पुलिस परिवार की तमाम साथी इलेक्शन की घोषणा हुई है पंचायत क्षेत्र के लिए और उस संदर्भ में आज हम लोग आदेश जारी करने वाले हैं, जिसके तहत एक सप्ताह के दिन कार्य कुछ और लोगों के साथ लंबित विशेष कारण से भी हो रहे हैं, जिनकी कहीं पार्टिसिपेशन है, जिनके विरुद्ध कोई ऐसी आशंका नहीं कर सकती। आपको जानकारी में होगा कि 107 की कार्रवाई के बाद अगर बंद पर धरने के पश्चात जितना पीरियड उसका बंद पथ में बचा रहा, जैसे 6 महीने के लिए किसी ने बंद पथ भरा है और अगर 1 महीने बीते तो बचा हुआ जो 5 महीना है वो पूरा उसके सर पे आ जाता है।